Hi girls, welcome back to my channel Blushing Beauty. Kaise hain aap sab? I hope ki aap sab achhe honge, happy honge and safe honge. So, aaj is video mein baat karne wale hain how to deal with an angry husband. Agar aapka pati gussa ho gaya, naraaz hai, baat nahi kar raha, to kya kiya jaye? Uski tips aapke saath share karne wali hu. To ye un ladkiyon ke liye bahut zyada helpful honge jinki nayi shaadi hui hai aur arranged marriage hui hai. Khaas taur pe ye wale tips arranged marriage mein zyada kaam aane wale hain. अगर आपकी शादी की बात चल रही है, शादी होने वाली है, आप टू बी ब्राइड हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आगे अगर आपके हस्बैंड एंग्री होते हैं तो आपको उन्हें कैसे डील करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपना जेन्युइन कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बात आप तक सही तरह से पहुँच रही है या नहीं. तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं प्रोसीड. पति का गुस्सा कैसे कम करें, पति का गुस्सा कम करने के उपाय, पति का गुस्सा कैसे कम किया जाए, ये वाले टिप्स यानी हाउ टू डील विद एन एंग्री हस्बैंड. तो आइए करते हैं प्रोसीड. गर्ल्स, गुस्से के बहुत सारे टाइप होते हैं. अब ऐसा नहीं होता ना कि जैसे जिस तरह से मैं गुस्सा करती होंगी वैसे ही आप गुस्सा करते होंगे. कुछ लोगों का गुस्सा करने की आदत अलग होती है, कुछ लोगों का बिहेवियर अलग होता है, कुछ लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं. हर इंसान के नेचर पर डिपेंड करता है उनका गुस्सा होने की प्रवृत्ति. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो उनका नेचर क्या है. वो अक्सर गुस्सा करते हैं या बहुत रेयर उन्हें गुस्सा आता है, कोई ऐसी बड़ी बात पर ही गुस्सा आता है या हर बात पर गुस्सा आता है, क्या नेचर है उनका. गर्ल्स, मैंने अपना फेसबुक पेज का लिंक एंड अपना इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप मुझे पर्सनली बात करना चाहें तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए और वहाँ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. मैं जल्दी से जल्दी आपसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. तो अब बात कर लेते हैं नाराज़गी, गुस्सा, एंग्री, एंगर, ये जो सारे शब्द हैं ये एक ही सिक्के के कई पहलू होते हैं. तो हम अब समझ लेते हैं कि गुस्सा कैसे करते हैं हस्बैंड, क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले आपको जान लेना है कि क्या आपके हस्बैंड ज़्यादातर गुस्सा करते हैं, मतलब अक्सर उन्हें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है. या फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो ऐसा तो नहीं है कि किसी बात से नाराज़ हैं, उस बात के कारण कहीं मतलब डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन हो रही है उनको बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा नेचर तो नहीं है उनको कि मन में रखें. या फिर हो सकता है आपके जो हस्बैंड हैं वो इस तरह से गुस्सा करते हो कि अगर उनके मन में नाराज़गी भी है तो वो अपनी नाराज़गी सिर्फ अपने अंदर रखेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे. तो क्या उनका नेचर ऐसा तो नहीं है कि अंदर रख, मन की बातें मन के अंदर रखें. और भी रीज़न हो सकते हैं इसका. एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ वो आपसे ही गुस्सा है, मतलब बाकी सबसे अच्छे से डील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही गुस्सा है. या फिर हो सकता है वो गुस्से में कोई फिज़िकल वायलेंस करें. तो ये अलग अलग तरह की गुस्से की बातें होती हैं, तो जिसको आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के गुस्से में किस तरह से आपको डील करना है. तो आइए वीडियो करते हैं शुरू पॉइंट नंबर वन से, यानी टिप नंबर वन से. चाहे किसी भी टाइप का हो, सबसे ज़्यादा एक फीमेल को सफ़र करना पड़ता है. मतलब अगर हस्बैंड नाराज़ है तो जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा एक फ़ीमेल को पड़ता है, उसकी वाइफ को पड़ता है. तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके हस्बैंड गुस्सा हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप जानने की कोशिश कीजिए कहीं वो आपकी वजह से तो गुस्सा नहीं है, क्या आप रीज़न तो नहीं है उनके गुस्सा होने का, क्या आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिनसे उनका दिल दुखा हो, नाराज़ हुए हो. जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका हमें नहीं पता चलता है. हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो आपके हस्बैंड ने बोला हो वो आपने नहीं किया हो, इस कारण वो गुस्सा हो. हो सकता है उन्होंने कुछ करने की मना किया हो और आपने वो काम कर दिया हो तो उसकी वजह से गुस्सा हो सकता है. कई रीज़न हो सकते हैं. तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्या वो आपकी वजह से तो गुस्सा नहीं है. और अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ वो आपकी वजह से ही गुस्सा है तो आप जाने की रीज़न क्या है. आप जब अपने आप सोचेंगे ना तो आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ क्या वजह है गुस्सा होने की. आपसे ज़्यादा आपके हस्बैंड को कोई नहीं जानेगा. आप धीरे धीरे जब समझने लगेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी कि क्या रीज़न है गुस्सा करने का. ये गुस्सा सिर्फ ऊपरी दिखावा है या फिर अंदर से गुस्सा है, ये भी होता है. कई बार क्या होता है, हम गुस्से होने का नाटक कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम वाकई में गुस्सा होते हैं, मतलब वाकई में हर्ट हुए होते हैं. तो दोनों चीज़ अलग अलग है जो कि आपको समझनी होंगी.
तो जब आपको पता चल जाए कि आपके हस्बैंड आपकी वजह से गुस्सा है, आप रीज़न है, वो रीज़न पता चल जाए, तो सबसे आसान तरीका होता है अपनी गलती मानना और सॉरी बोलना। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, अपनी गलती मान लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। इससे सारी परेशानियाँ, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ आसानी से फिक्स हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। बट कई केसेस में क्या होता है, बहुत सारे हस्बैंड में या ऐसा मानते हैं लोग कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नो सॉरी और नो थैंक यू अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो आप अगर सॉरी बोलेंगे तो हो सकता है वो उनको और बुरा लगे कि आप उनकी वाइफ हैं, सॉरी बोल रहे हैं। तो उस केस में क्या किया जाए, अगर ऐसा है तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो गर्ल्स, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी वजह से गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसा बुरा लगा है, तो आपको कैसे करना है इस चीज़ को डील। आपको जब भी आप अपने हस्बैंड को चाय दें, कॉफ़ी दें, कोई भी चीज़ दें, तो उनके साथ आप एक नोट लगा सकती हैं कि आपने को आपकी गलती रियलाइज़ हो गई है एंड आप दिल से मतलब इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हैं, माफ़ी मांगना चाहती हैं। ये चीज़ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। देखिए, एक होता है सिर्फ हम कह देते हैं बातें कि हम शर्मिंदा हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है, ये चीज़ें, अब मैं आपके सामने कुछ भी बोलूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जब हम कोई चीज़ दिल से फील करके लिखते हैं ना, तो बहुत कुछ मतलब सही हो जाता है। तो आप उसको नोट की तरह लिख सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को टेक्स्ट की तरह दिखा सकते हैं, या तो आप उनको कोई मतलब ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बड़ी बात, आपने सुनी भी होगी कहावत में, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, उनकी मोस्ट फेवरेट डिशेस बना सकते हैं एंड उनको सॉरी बोल सकते हैं एंड अच्छा सा डिनर प्लान कर सकते हैं घर पे, जिससे वो आसानी से मान जाएं और ये जाली प्रॉब्लम आसानी से आप डील कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं टिप नंबर टू की, यानी पॉइंट नंबर टू की। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड की गुस्से की वजह आप नहीं है। अभी तक हमने बात किया कि आपकी वजह से गुस्सा है तो क्या किया जाए, लेकिन मान लीजिए आपकी वजह से गुस्सा नहीं, गुस्सा किसी और वजह से है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गुस्से का रीज़न पता करना है, जो कि पता करना मुश्किल होता है। तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि क्या वो ऑफिस की वजह से गुस्सा, यानी ऑफिस के काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑफिस से आ रहे हैं तब उनका मूड अपसेट है, या कहीं फैमिली की वजह से अपसेट है, या कोई और भी रीज़न है। ये चीज़ आपको थोड़ा टाइम दे के रिकॉग्नाइज़ करनी होगी। सबसे पहले जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप उसको आसानी से फिक्स कर सकेंगे। मान लीजिए गर्ल, जैसे आपके हस्बैंड आते हैं ऑफिस से एंड उनका मूड अपसेट है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं और हर एक इंसान का नेचर अलग अलग होता है। तो अगर वो आपसे बात नहीं करे, तो आप उन पे फोर्स मत कीजिए कि नहीं बताइए क्या बात है, नहीं बताइए क्या बात है। ऐसे में क्या होगा, आपके हस्बैंड जो है वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे। कभी कभार क्या होता है, जब हमें स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर कुछ ऐसा मतलब चल रहा होता है, टेंशन वाली बात चल रही होती है, हम अंदर से, हमें ये नहीं पता होता है कि हम नाराज़ हैं क्या है, ये वाली जब फीलिंग होती है ना, तो हम खुद सफ़र कर रहे होते हैं किसी चीज़ से। तो आप उसमें प्रेशर मत दीजिए कि आप बताइए, आप अपने हस्बैंड को पर्सनल स्पेस दीजिए, थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, अकेले छोड़ दीजिए रूम में, वो अपना अकेले थोड़ा एक दो घंटे तीन घंटे स्पेंड करेंगे। और 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 घंटे के अंदर ही वो अपनी चीज़ें फिक्स करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है वो आपसे चाय कॉफ़ी वगैरह मांगे। तो आप ध्यान रखिए कि आपको उनके ऊपर फोर्स नहीं बनाना कि नहीं बताएं, जब तक वो आपसे खुद से शेयर ना करें, आप उनके ऊपर मतलब एकदम फोर्स करिए कि बताएं, वो आपसे खुद से शेयर करेंगे। और मान लीजिए अगर वो आपसे फिर भी शेयर नहीं करते, तो आप खुद से 1-2 घंटे का टाइम लीजिए, उसके बाद चाय कॉफ़ी बनाइए, आप उनके लिए भी बनाइए और अपने लिए भी बनाइए, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के एक कप कॉफ़ी पीजिए या चाय पीजिए। तो उससे क्या होगा, जब आप चाय पियेंगे तो बातों बातों में पूछ सकते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, तो तब वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे ज्यादा चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, आपको उन्हें ये दिखाना, ये ट्रस्ट दिखाना है आपके हस्बैंड को कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके साथ हैं। ये जो वर्ड होते हैं ना, जब एक फीमेल एक मेल को बोलती है मैं हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपके साथ हूँ, ये वाली जो चीज होती है, ये एक मेल जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बहुत ज़्यादा अप लेके जाती है। तो ये जो वर्ड होते हैं सिर्फ कहने के नहीं होते, तो जब आप ये चीज़ बोलेंगे ना कि आई ट्रस्ट यू, आप उनके साथ हैं हर सिचुएशन में, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनकी परेशानी बहुत हद तक रिलीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं आसानी से, इससे आपको गुस्से की वजह मिल जाएगी कि क्या रीज़न है पता चल जाएगा, उसके बाद आप दोनों मिल के हस्बैंड वाइफ उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इस केस में आप ऐसे डील कर सकते हैं।
जब इस तरह का सिनेरियो हो तो गर्ल्स आपको ध्यान रखना है, आप वाइफ से पहले एक फ्रेंड है उनकी, इस तरह का बिहेव कीजिए कि आप एज अ फ्रेंड उनसे बात करें हैं और उनको समझाइए। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान होकर बैठ जाएं, हमें लड़ना है और इस सिचुएशन को फिनिश करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करनी है। तो ये चीज़ जब आप उन्हें समझाएंगे तो उनका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की, यानी पॉइंट नंबर 3 की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गर्ल्स, टिप नंबर 3 में, यानी पॉइंट नंबर 3 में, अगर आपके हस्बैंड गुस्सा है, और गुस्से में क्या होता है, बहुत सारे हस्बैंड बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर देते हैं, एकदम चिल्ला के बात करते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, आपको एक लिमिट सेट करनी कि आप किस हद तक उनका गुस्सा बर्दाश्त करेंगे। एक होता है कहाँ सुनी हो गई, वो चीज़ अलग होती है। देखिए, किस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, कहाँ सुनी कहाँ नहीं होती है, हर रिलेशनशिप में होती है, हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होती है, बट एक लिमिट होनी चाहिए, किस लिमिट तक एक हस्बैंड एक वाइफ को, मतलब एक मेल एक फीमेल को कह सकता है और कितना वो टॉलरेट कर सकती है, ये आपकी लिमिट होगी। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा हायर टोन में बात करिए तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, तो आप ध्यान रखिए, आप अपनी लिमिट बता दीजिए, आप उनको डायरेक्टली उस टाइम पर बोल दीजिए, रैदर देन कि आप उन्हें कुछ समझाएं, आप उन्हें डायरेक्टली बोल दीजिए कि आप इस टोन में मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको जब भी आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए उसके बाद ही मुझसे बात करिए। और 2-3 दिन जब तक उनका गुस्सा एकदम शांत नहीं हो जाता, रियलाइज़ नहीं हो जाता उन्हें अपनी मिस्टेक, तब तक आप कोई भी मतलब उनसे बात मत करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। जितना ज़्यादा आप इस टाइम पे अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड गर्ल्स, में सच बताऊँ, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं अपने हस्बैंड की, जब ओवर केयर हो रही होती है ना तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिए। अपने आप को टाइम दीजिए, जो आपके इंटरेस्ट हो वो कीजिए, जैसे आपको सिंगिंग है, डांसिंग का मन है, जो भी आपके इंटरेस्ट है उन पर टाइम दीजिए, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आप बिज़ी भी रहेंगे और इससे आपको मतलब रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये इस चीज़ को करके देखिएगा। अब इसी बात में आपको एक और बात बता देती हूँ, कई केसेस में क्या हो जाता है फीमेल्स, जैसे जब एक हस्बैंड काफ़ी लाउड वॉइस में, हायर टोन में बात करते हैं अपनी वाइफ से, यानी अपनी वाइफ से, तो उस केस में क्या होता है, लिमिट होती है कि हाँ हमने उन्हें बोल दिया, हमने सुन लिया, हमने बर्दाश्त कर लिया इतना, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान लीजिए उन्होंने गुस्से के अंदर आपको एब्यूज़ कर दिया, मान लीजिए उन्होंने गुस्से के अंदर आपके ऊपर हाथ उठा दिया, यानी फिज़िकल वायलेंस कर दिया, तो ये चीज़ें बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाती हैं। गुस्सा किसी और चीज़ का है, अगर गुस्सा वो आपसे भी है, आपकी वजह से गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आपके ऊपर हाथ उठा दें, अब्यूज़ कर दें, ये तो फिज़िकल वायलेंस बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो इस केस में भी आपको बिल्कुल ही नो कर देना है, मतलब बिल्कुल ही नो, कि ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी रिस्पेक्ट कहाँ है, आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई वहाँ पे। आपको इस रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, अपनी रिस्पेक्ट शुरू से ही बना के रखनी होगी, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि जैसे जैसे शादी के बाद टाइम बीतता जाता है ना, कुछ साल हो जाते हैं, तो जैसा चला आ रहा होता है वैसा ही आगे होता है। जैसा आज है, जितनी केयर आज है, 10 साल बाद उतनी नहीं होती है, वो कम होती जाती है अपने आप। तो जितनी रिस्पेक्ट आप बना के रखेंगे ना, उतनी वो रहेगी। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। तो फीमेल्स, अब मैं बात करने वाली हूँ पॉइंट नंबर 4 की, टिप नंबर 4 की। मान लीजिए आपके हस्बैंड किसी भी बात से गुस्सा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और उस गुस्से की वजह से वो बिल्कुल म्यूट हो गए, बिल्कुल ही बोल ही नहीं रहे किसी चीज़ पे, मतलब बस हाँ हूँ यही हो रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया किसी चीज़ में, बिल्कुल शांत हो गए हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप? देखिए, ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। इस केस में क्या होता है, फीमेल यानी एक वाइफ को पता ही नहीं चल पाता है हस्बैंड के अंदर चल क्या रहा है मन के अंदर, क्योंकि मन की बात जब हम मन के अंदर ही रखेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। गुस्से में तो हम चलो शो कर देते हैं कि ये वजह है, कहीं ना कहीं मुँह से निकल जाता है चीज़ की ऐसा हुआ होगा, बट जब हम मन के अंदर रखते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता। इस केस में सबसे ज़्यादा सफ़र करती है एक फीमेल, वो हमेशा सोचती रहेगी क्या वजह है, क्यों गुस्सा है, क्या है, बात करने की कोशिश करेगी तो बात नहीं हो रही है, वजह जानने की कोशिश करी तो वजह नहीं मिलेगी। तो इस कारण क्या होता है, उसका खुद का स्ट्रेस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाती है ऐसी फीमेल्स जिनके हस्बैंड इस तरह से गुस्सा करते हैं। तो ये वाली सिचुएशन नहीं आने देना है, इसके लिए आपको क्या करना है,
इतना ज़्यादा अपने अंदर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है शुरुआत से ही, एकदम कह लीजिए कि फ्रैंकली नेचर रखना है. एक होता है कि एक शाय नेचर होता है, आप कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा फ्रैंकली, फ्रेंड की तरह रहिए, ऐसे बात कीजिए बिल्कुल फ्रेंड की तरह. तो वो उस केस में आप शायद आपसे बात करें, शायद ना भी करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बात करेंगे ही करेंगे. बट क्या करना है आपको, आप बिल्कुल इस केस को ऐसे डील करिए कि आप रिलैक्स हैं. जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत रखेंगे ऐसे सिचुएशन में, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, रेदर देन कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लिए जा रहे हैं. पेशेंस की ज़रूरत होती है ऐसे केसेस में, तो पेशेंस रखिए, शांति रखिए, चीज़ें नॉर्मल होंगी. धीरे धीरे बात करने की कोशिश कीजिए, वजह जानने की कोशिश कीजिए. तो गर्ल्स, आज के ये थे कुछ टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए. अगर आपको ये वाले टिप्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा. गर्ल्स, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करूँ. बाकी आप अपना जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे.